हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं newstack.com और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। करण जौहर के लिए पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, उन्हें खुशियां कम गम ज्यादा मिले। अब खबरें आ रही हैं कि पिछले साल के झटकों ने करण को कुछ सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसका सीधा असर उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म तख्त पर पड़ने वाला है। खबरें हैं कि करण तख्त के बजट में कटौती कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन की 2019 में 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने सिर्फ 70 करोड़ के आसपास ही कमाए और नुकसान में रही। वहीं मेगा बजट फिल्म कलंक भी 81 करोड़ के आसपास जमा करके फ्लॉप करार दी गई। अब अक्षय कुमार और करीना कपूर खान की गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। वही वेब प्लेटफॉर्म से भी करण जौहर को निराशा ही हाथ लगी। काफी अरसे से अटकी हुई फिल्म ड्राइव नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, मगर इसकी काफी आलोचना की गई। बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट में सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि धर्मा प्रोडक्शन तख्त के बजट में कटौती करने पर विचार कर रहा है। तख्त करण की महत्वाकांक्षी फिल्म है, पहली बार वो इतिहास आधारित फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, करीना कपूर, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और अनिल कपूर जैसे बड़े कलाकार अहम किरदारों में दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ अयान मुखर्जी निर्देशित ब्रह्मास्त्र भी इस कटौती की एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि देरी होने की वजह से ब्रह्मास्त्र के निर्माण का बजट काफी बढ़ गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे सितारे हैं, जिनकी फीस बहुत अधिक है। शूटिंग खींचने से इन सब का बजट बढ़ गया है, इसलिए करण जौहर ने तय किया है कि 2020 में किसी फिल्म की शूटिंग विदेश में नहीं की जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए newstack.com के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें।